गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विपुल कुमार परेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूरोलॉजी। मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर के अंदर इकोलॉजी की बुक में से आज जो अध्याय है पर्यावरण जैविकी अल नीनो वेल ना नीनो, इनके ऊपर विस्तार से वर्णन करेंगे। अल नीनो वेल ला नीना प्रशांत या पैसिफिक महासागर में तापमान के असंतुलन से संबंधित परिघटनाएँ हैं। इन परिघटनाओं का विश्व के मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस कारण से न सिर्फ मौसम विज्ञानी वरन पर्यावरण विज्ञ, अर्थशास्त्री, नाविक, संरक्षणविद, मछुआरे जैसे अनेक तर्वकों की दिलचस्पी इन परिघटनाओं को जानने व इनकी ठीक भविष्यवाणी में रहती है। इस अध्याय में हम इन दो परिघटनाओं का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूँ कि साहब ये अल नीनो और ला नीनो का मतलब क्या होता है, तो अल नीनो का मतलब होता है लड़का और ला नीनो का मतलब होता है लड़की, बॉयज और गर्ल्स। संभवतः यह जो परिघटना है यह दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास होती है, क्राइस्ट का जन्म जो होता है, तो इसलिए इनको अल नीनो और ला नीनो से जोड़ा गया है। यदा कदा तापमान का यह परिवर्तन बहुत अधिक हो जाता है, बाद में इस अत्यधिक विचलन को अल नीनो प्रभाव कहा जाने लगा। हालांकि मूलतः अल नीनो शब्द प्रतिवर्ष आने वाले परिवर्तन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है तथा कभी कभी इन तीव्र विचलन तथा इसके वैश्विक जलवायु प्रभाव पर तापमान को पहचानने की इस परिघटना को एनसो नाम भी दिया गया है। एनसो का विस्तार रूप है अल नीनो सदन ऑसिलेशन। यदि इसके जनरल और असामान्य की यदि हम बात करें तो ये प्रमुखतः उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर की एक घटना होती है। इसे समझने हेतु प्रशांत महासागर के कर्क एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों तथा इसके दक्षिण अमेरिकी तटीय देशों की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 5 बड़े महासागरों में से एक है। यह कुल पृथ्वी की सतह का 35% भाग तथा समुद्र की सतह का लगभग 50% भाग बनाता है। सुविधा की दृष्टि से भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण भागों में स्थित क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर कहा जाता है। प्रशांत के पेरू तट के भाग को पूर्वी तथा ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया के ओर के भागों को पश्चिमी प्रशांत कहा जाता है। सामान्यतः पेरू के तट का सागरीय पानी ठंडा होता है तथा पश्चिमी तट का पानी गर्म होता है। ऐसे महासागर में चलने वाली धारा के कारण होता है जिसमें पवन तथा जल पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस गति से पश्चिम जो प्रशांत होता है वो गर्म एवं ऊंचा रहता है। प्रशांत का इंडोनेशिया की ओर का भाग पेरू के तटीय भाग के मुकाबले लगभग 60 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है तथा पूर्वी तट के मुकाबले 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 18 डिग्री फॉरेनहाइट भी गर्म होता है। इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे वो बात जो हमारी है, जल के जो पश्चिमी दिशा में गमन से पेरू के तट में समुद्र की गहराई से जल निकल कर आता है वो अपेक्षाकृत ठंडा होता है। इस प्रकार समुद्री धाराओं के चलने के कारण गहरे ठंडे जल का ऊपर आना अपवेलिंग कहलाता है। विश्व में अपवेलिंग दर्शाने वाले भागों में दक्षिण अमेरिका का पेरू की ओर का तट प्रमुख है। समुद्र चाहे दूर दूर तक एक सा ही प्रतीत हो किंतु इसकी गहराई, जल धाराएं व तापमान के अंतर के कारण अलग अलग स्थान की मछलियां, जीव एवं उत्पादकता भी बदलती रहती है। ठंडे समुद्र अधिक उत्पादकता दर्शाते हैं, इसी कारण पेरू में मछलियों की उत्पादकता अधिक होती है। यहाँ एनकोवी मछलियां प्रमुखता से पाई जाती हैं तथा पेरू को मत्स्य व्यवसाय में बहुत लाभ पहुँचाती है। पेरू तट की यह परिस्थिति वर्ष भर एक सी नहीं रहती है। दिसंबर के अंत में जलधारा पेरू तट से दूर पश्चिम की ओर जाने की बजाय तट की तरफ आने लगती है, अर्थात धाराएं विपरीत बहने लग जाती है। इससे तट का जल गर्म हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप यहाँ का मौसम अधिक गर्म व उमस भरा हो जाता है। इस प्रभाव से वर्षा भी होती है तथा तट पर मछलियों की मात्रा में कमी भी आती है। हर साल यह प्रभाव देखने को मिलता है तथा एक दो माह में यह परिस्थिति सामान्य हो जाती है। पेरू के निवासी मल्ला व मछुआरे वर्षों से इस चक्रीय घटना से परिचित है तथा इसे अल नीनो नाम से जानते हैं।
अल नीनो प्रभाव हर वर्ष एक सा नहीं रहता है, परंतु किसी किसी वर्ष अत्यधिक होता है, यानी ऐसे वर्ष में तट अधिक गर्म हो जाता है, वहाँ वर्षा भी बहुत अधिक होती है, जिसके व्यापक व दूरगामी परिणाम होते हैं। ये परिणाम न सिर्फ पेरू, उरुग्वे, चिली आदि जैसे देशों को प्रभावित करते हैं, वरन दूर दराज भारत जैसे देश के मानसून पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। अब आप इस अल नीनो प्रभाव के अंदर ये देखिए, कहाँ पर तो दक्षिणी अमेरिका है, पेरू का जो तट है, और भारत कितनी दूरी पर है, लेकिन वहाँ के मौसम के परिवर्तन का सीधा सीधा प्रभाव भारत के मानसून पर भी पड़ता है। इसलिए अल नीनो और ला नीनो को इकोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अभी लगभग 10-1 दिन पहले दैनिक भास्कर के अंदर एक लेख छपा था, जिस लेख के अंदर ये लिखा गया था कि अल नीनो की वजह से भारत का इस वर्ष का जो मानसून है वो प्रभावित होगा। यदि आप लोगों ने वो लेख पढ़ा होगा तो उस लेख का सीधा सीधा जो संबंध है वो आज के मेरे इस अध्याय से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि दूरी चाहे कितनी हो, भौगोलिक वातावरण कैसा ही हो, लेकिन एक जगह की परिघटना यदि किसी दूसरी जगह की परिघटना को प्रभावित करती है तो यह इकोलॉजी का सबसे बेहतरीन स्वरूप है। पर्यावरण विज्ञ इसके जो अनछुए पहलू हैं वो अपने सामने इस अध्याय के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संबंध में सर्वप्रथम ब्रिटिश मौसम विज्ञानी सर गिलबर्ट बालकर ने भारत में मानसून का संबंध खोजा। वे 1920 और 30 में भारत में मौसम विज्ञान विभाग में कार्यरत थे। वे भारत के मानसून पर निर्भरता व मानसून की अनियमितता से अच्छी तरह परिचित थे। इसकी भविष्यवाणी कर सकने हेतु विभिन्न प्राचालों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि जब प्रशांत में अत्यधिक अल नीनो प्रभाव के कारण गर्मी व वर्षा बढ़ते हैं तब भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रशांत महासागर में जब अल नीनो का प्रभाव ज़्यादा होगा वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी के फलस्वरूप वहाँ वर्षा का वायुदाब बढ़ेगा और ज़्यादा बारिश होगी तो भारत के अंदर मानसून कमजोर हो जाता है। उन्होंने एक रोचक तथ्य की जानकारी भी दी कि जिसे दक्षिणी दोलन या सदर्न ओसिलेशन का नाम दिया। उन्होंने पाया कि जब प्रशांत महासागर के एक द्वीप ताहिती में दबाव कम होता है तो सुदूर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर अवस्थित डार्विन नामक शहर में इसके दाब अधिक होता है। डार्विन में दाब कम होने पर ताहिती में दाब अधिक होता है। बच्चे के झूले सीसा, आपने एक गार्डन के अंदर बगीचे में एक झूला देखा होगा जिसमें दो बच्चे बैठते हैं आमने सामने, जब एक बच्चा ज़्यादा वेट का होता है तो वो उस तराजू को नीचे झुका देता है और दूसरे वाला बच्चा ऊपर हो जाता है। उसी प्रकार जैसे पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण इसे दक्षिणी दोलन का नाम दिया गया। उन्होंने यह भी पाया कि डार्विन पर कम वायुदाब होना भारतीय मानसून हेतु अच्छा लक्षण होता है। स्पष्ट है अल नीनो होने पर प्रशांत में दाब कम हो जाता है तो भारतीय महाद्वीप में अधिक, जिसके कारण मानसून कमजोर हो जाता है। मौसम के हजारों किलोमीटर दूर के इस संपर्क को वैश्विक या भूमंडलीय दूर संपर्क या इंग्लिश में इसको ग्लोबल टेलीकेशन भी कहते हैं। आज के मेरे वीडियो में मैंने आपको अल नीनो और ला नीनो के जो अनछुए पहलू थे उनके ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट किया। कल अपन मिलेंगे एक नए अध्याय और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।